छतरपुर में मामूली विवाद पर दो लोगों ने एक 3 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर उसे घायल कर दिया। मासूम बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरीहार थाना क्षेत्र में मनवारा के खेत में मवेशी घुसने को लेकर पड़ोसी किसान का मासूम बच्ची के पिता से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि मासूम के पिता पर ब्रजलाल और उसका बेटा विजय प्रजापति हथियार लेकर दौड़ पड़ा, जिसके बाद वे जान बचाकर भाग गया, लेकिन मासूम वहीं खेत पर रह गई। जिसके बाद इन दोनों ने मासूम को अकेला पाकर उस पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे वो लहूलुहान हो गई। जब पिता मौके पर पहुंचा तो बच्ची को लहूलुहान देखकर उसे अस्पताल ले गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे छतरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने पिता की शिकायत पर दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। सर हार गए थे, मम्मी गई थी इसकी, बच्ची के लिए गए थे, खेत देखने गए थे, कुछ नहीं वहाँ गए थे तो हमारे खेत में जानवर छाड़े थे। हमने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, कहा हम तो ऐसे चराएंगे। बिजलाल और बिजली कुछ नहीं करते हुए कह रहे थे ऐसे हम चराएंगे। फिर तो हमने कहा भाई चलावा, तो हमारे पीछे लग गए। पीछे लगने के बाद मेरे बच्ची को ले लिया, थोड़ा पीछे के आए हमने बाबा गाँव में आओ सुना देंगे प्रधान और धान का, फिर हम कुछ तुम्हारी इतलाई सितलाई करेंगे। तो तब बाप ने बिजलाल ने बोलो पकड़ो भौसली वाले का पहाड़ मार दो, जहाँ मेरे जान में हम बच्ची रह रहा हूँ, मेरे जहाँ थोड़ी दूरी रह गए तो बच्ची ठाड़ कर देंगे मैं दरबार। आज शाम को फरियादी लालमन प्रजापति ने रिपोर्ट किया कि वह अपनी पत्नी और 3 वर्षीय बच्ची के साथ अपने खेत पर मनवारा गांव में स्थित खेत पर था। उसके गांव का जानवरों के विवाद को लेकर ब्रजलाल प्रजापति और उसका लड़का विजय प्रजापति आए और जान से मारने की नीयत से उसकी बच्ची के वो 3 बार बल्लम से मारा, उसके बाद वहां से भाग गए। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पीड़िता की डॉक्टरी कराई जा रही है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।